गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। क्लास बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड। छात्रों, आज मैं आपको एक्स की स्ट्रक्चर तथा उनका क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे तथा एक्स कितने प्रकार का होता है, जो उसके अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर तथा योग डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट के आधार पर उसका डिफरेंस क्लासिफिकेशन किया गया है। तो छात्रों, आज हम आपको एक के बारे में बताएंगे, जो योग के डिस्ट्रीब्यूशन एंड अमाउंट के बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इससे पहले ये छात्रों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो डाली जाती है वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। सर्वप्रथम हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। योग की मात्रा तथा वितरण के आधार पर अंडों का वर्गीकरण किया गया है ऑफ योग, जिसमें योग की मात्रा का प्रभाव अंडाणु के साइज, क्लीवेज के प्रकार, ब्लास्टुलेशन एंड गेस्टुलेशन पर पड़ता है। योग के परिणाम तथा वितरण के आधार पर विभिन्न जंतुओं में अनेक प्रकार के अंडाणु पाए जाते हैं, जिसमें साइंटिस्टों ने बताया कि ये चार टाइप के होते हैं, फोर टाइप के, एलेसिथल एक्स, माइक्रोलेसिथल एक्स, मिजोलेसिथल एक्स और मैक्रोलेसिथल एक्स। एलेसिथल एक, इसे अपित की अंडाणु कहते हैं। एलेसिथल एक्स में योग की मात्रा बहुत कम या नील होती है। इस प्रकार के अंडाणु मेमल्स में मेटाथीरिया तथा यूथीरिया में पाए जाते हैं। इन जंतुओं में एम्ब्रियो को पोषण माता के शरीर से प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होता है। सेकंड, माइक्रोलेसिथल एक्स, जिसे सूक्ष्म पित्त के अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार के अंडाणु साइज में छोटे होते हैं तथा इनमें योग की मात्रा कम पाई जाती है। तथा इन्हें माइक्रोलेसिथल एक्स कहते हैं। इस प्रकार के अंडाणु सी अर्चिन, टूनिकेट्स, एम्फियोक्सस, ईटीसी में पाया जाता है। नेक्स्ट, मिजोलेसिथल एक्स, जिसे मध्यपित्त के अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार के अंडाणुओं में योग न तो अधिक होता है न ही कम पाया जाता है, अथवा योग मध्यम परिमाण में पाया जाता है, मीडियम क्वांटिटी में। इस प्रकार के अंडाणुओं को मिजोलेसिथल एक्स कहते हैं। इस प्रकार के अंडाणु पेट्रोमाइजोन, फुप्पसमिन तथा एम्फीबिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मैक्रोलेसिथल एक्स,
जिसे अतिपीत के अंडाणु कहते हैं। इसके अंतर्गत वह अंडाणु आता है जिसमें योग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इन्हें मैक्रोलेसिथल एग्स या अतिपीत के अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार के अंडाणु बोनिफिसिस, रेप्टाइल्स, एवीज, प्रोटोथीलिया तथा इंसेक्टा क्लास में भी पाया जाता है। योग के वितरण जंतुओं के अंडाणुओं में भिन्न भिन्न होता है। योग के वितरण के आधार पर अंडाणुओं को अनेक प्रकार में विभाजित किया जाता है, जैसे जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया जा रहा है। जो होमोलेसिथल एक्स, टेलोलेसिथल एक्स, सेंट्रोलेसिथल एक्स तीन प्रकार के होते हैं। होमोलेसिथल एक्स जिसे आइसोलेसिथल एक्स भी कहते हैं तथा संपीत के अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार के अंडाणु में योग की मात्रा कम होती है तथा योग संपूर्ण कोशिका द्रव में समान रूप में वितरित रहता है, इसलिए इन अंडाणुओं को आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल तथा संपीत के अंडाणु कहते हैं। सूक्ष्म पीत के अंडाणु माइक्रोलेसिथल अंडाणु भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट टेलोलेसिथल एक्स जैसे गोलाधर पीत के अंडाणु कहते हैं। इसके अंतर्गत उस प्रकार के अंडाणुओं में योग कोशिका द्रव में समान रूप से वितरित नहीं होता। मध्यम पित्त की मेजोलेसिथल तथा मैक्रोलेसिथल एक्स टेलोलेसिथल एक्स होते हैं। नेक्स्ट सेंट्रोलेसिथल एक्स इसे केंद्रपित्त के अंडाणु कहते हैं। कीटों के अंडाणु में मैक्रोलेसिथल एक्स होते हैं, परंतु इनका योग अंडाणु के केंद्रीय भाग में सांद्रित होते हैं। अंडाणु का कोशिका द्रव योग के चारों ओर उपस्थित होता है, ऐसे अंडाणुओं को सेंट्रोलेसिथल एक्स कहते हैं। आगे साइंटिस्टों ने टाइप्स ऑफ एक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल, कवच की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर अंडों के प्रकार बताएं कि कवच की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं के अंडों को टू टाइप में विभाजित किया गया है, क्लीडोइक एक्स और नॉन क्लीडोइक एक्स। क्लीडोइक एक्स जिसे सकोश अंडे कहते हैं, यह टेस्ट ट्रायल एनिमल्स स्थलीय जंतुओं में जो अंडे जमीन पर दिए जाते हैं उनमें पाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करने तथा सूखने से बचाने के लिए
उनके चारों ओर कैलिसियम आवरण पाया जाता है। इस आवरण को सेल या कवच कहते हैं। ऐसे अंडों को क्लिडोइक एग्स कहते हैं। नेक्स्ट, नॉन क्लिडोइक एग्स इसे अकोश अंडे कहते हैं। जिन जंतुओं के अंडे जल में दिए जाते हैं तथा जिन जंतुओं के अंडों का डेवलपमेंट माता के शरीर में होता है उन अंडों में कवच एब्सेंट होता है। ऐसे अंडे जिनमें कवच का अभाव होता है उन्हें नॉन क्लेडोइक एग्स कहते हैं। इस प्रकार के अंडे फिशिज, एम्फीबिया एंड यूथेरिया में पाए जाते हैं तथा क्लेडोइक एग्स में रेप्टाइल्स, एविज तथा प्रोटोथीरिया के एनिमल्स आते हैं तथा इंसेक्ट क्लास के एनिमल्स भी आते हैं। इसके बाद साइंटिस्टों ने जंतुओं में डेवलपमेंट के आधार प्रकार के आधार पर एक्स को फिर दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है डिटर्मिनेट एक्स तथा दूसरा इनडिटर्मिनेट एक्स। डिटर्मिनेट एक्स मोजेक अंडे निर्धारी जो एनलिडा, मोल्स्का आदि के अंडों में अंडे के प्रत्येक अंश का बहुत से पहले ही निर्धारित हो जाता है। अगर अंडे के किसी अंश को हटा दिया जाए तो डेवलपमेंट के दौरान भ्रूण में बनने वाले उस पार्ट या अंश के भाग या अंग का निर्माण नहीं होगा क्योंकि इनका फ्यूचर पहले ही निर्धारित हो जाता है। अतः इस प्रकार के अंडों को डिटर्मिनेट या निर्धारित प्रकार या मोजेक अंडे कहते हैं। सेकेंड, इनडिटर्मिनेट या रेगुलेटिव एग्स अनिर्धारित तथा नियमनकारी अंडे। इस प्रकार के अंडे अधिकतर जंतुओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार के अंडों में प्रत्येक अंश का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता। अगर अंडे के किसी अंश को हटा दिया जाए तो भी परिवर्तनशील भ्रूण सामान्य होता है क्योंकि इनका फ्यूचर पहले ही निर्धारित नहीं होता। तो भ्रूण में सभी अंगों का निर्माण होता है इसलिए इस प्रकार के अंडों को इनडिटर्मिनेट तथा रेगुलेटिव एक्स अनिर्धारित तथा नियमनकारी अंडे कहते हैं। एग्जाम्पल मैमल्स के अंडे। इस प्रकार से ये एग्स के क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेज पर इनके एग्स की स्ट्रक्चर के बारे में तथा एग मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे तथा इसके साथ ही आज का टॉपिक कंप्लीट होता है तथा छात्र इसको नोटेड कर लेना तथा इनके डायग्राम बना लेना बुक्स के अनुसार।